दोस्तों, मैं अभी ग्रेटर नोएडा के धनौरी वेटलैंड में हूँ। यहाँ बर्डिंग के लिए आया था, लेकिन यहाँ इस सीज़न में बहुत ही कम बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। अभी सीज़न स्टार्ट तो नहीं हुआ है, विंटर अप्रोच कर रहा है। कुछ बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। सारस क्रेन तो यहाँ का रेजिडेंट बर्ड है, हमेशा दिखाई देता है। और उसके अलावा ब्लू सैम्पैन और पॉन्ड हिरोन, पर्पल हिरोन, ये सब तो यहाँ के रेजिडेंट हैं, हमेशा सालों भर दिखाई देते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स में अभी कुछ दिखाई नहीं दिया है मुझे, एक दो दिखाई दिए, बहुत ही डिस्टेंस पर हैं। कॉम डग दिखाई दिए हैं 10-12, पेंटेड स्टॉक भी दिखाई दिए थे। और डक्स अभी आने शुरू हो गए हैं, और इस साल उम्मीद है विंटर में यहाँ बहुत कुछ एक्शन देखने को मिलना चाहिए। लास्ट 3-4 साल से तो कोई खास यहाँ दिखता नहीं है। और अभी मैं देख रहा हूँ ये धनौरी जो यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी गियर अप हो रहा है। धनौरी की अंदर जो ये पानी के अंदर जलकुंभियाँ हैं, इसको क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है। जगह जगह पर, 3-4 जगह पर ये लोग इसको साफ करने के लिए लगे हुए हैं। अगर ये क्लियरली बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाए तो काफ़ी बर्ड्स यहाँ आने के चांसेस हैं इस विंटर में। आप लोग यहाँ विंटर में दिसंबर के बाद जरूर आइए, बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलता है, बशर्ते ये पानी वाला इलाका जलकुंभी मुक्त हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इस क्षेत्र को जलकुंभी से मुक्त करने का भरसक प्रयास करें, क्योंकि बर्ड्स इसके बिना, इसके रहते हुए बर्ड्स यहाँ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। ब्लैक विंग्स और वाइट निब इबिस पेड़ों पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप चाहें तो देख पाएंगे, बट ये मेरे मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें उतना नहीं आपको क्लियरली दिखेगा। और देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी जूम करके आप देख पाएंगे, पेड़ों पर बैठे हुए हैं, कम से कम 10-12 हैं, ब्लैक एंड वाइट इबिस दोनों हैं। मैं यहाँ काफ़ी लेट आया था, बट निराश नहीं हुआ हूँ। साइबेरियन स्टोन चैट मुझे दिखी है, वाइट आई फ्लोवर भी मुझे दिखा है, पेडर्स भी, सैंड पाइपर और वुड पाइपर दूर से दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी खेती का काम चल रहा है, फसल आसपास खड़ी है, इससे और बर्ड्स थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती हैं, बट उम्मीद है 1-2 हफ्ते में ये खेती वाला एरिया, फसल कट जाएगी तो बर्ड्स को काफ़ी राहत मिलेगी और वो पीसफुली यहाँ अपना आ सकते हैं और अपनी एक्टिविटी कर सकती हैं। बट किसान और बर्ड्स का तो चोली दामन का साथ है, किसान है तो बर्ड्स हैं, किसान जो पैदा करता है उसी में से कुछ हिस्सा बर्ड्स लेके खाती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। किसान के फसलों से ही पर ही जो कीड़े मकोड़े आते हैं उनको ये चिड़ियाएं खाती हैं, और उनके फसलों की भी रक्षा कीटनाशकों से करती हैं तथा अपना पेट भी भरती हैं, तो ये नेचुरल बैलेंसिंग का काम करती हैं। अगर बर्ड्स हैं तो ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कीटनाशकों की वजह से, उनके कीटनाशकों का फसलों पर प्रयोग से बर्ड्स भी दूर भाग जाती हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो कुल मिला के बैलेंसिंग एक्ट अगर ठीक है तो ये सब चीज़ें प्रकृति के अनुसार चलती हैं। इस बैलेंस होने पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान होता है। हमें हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, दूसरों जीवों का भी ध्यान
ध्यान रखना चाहिए, वो भी प्रकृति के ही अभिन्न अंग हैं, उनका भी प्रकृति में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अभी मैं आधा एरिया धनौली वेटलैंड का पार किया हूँ और देखिए दोनों तरफ धान की फसलें खड़ी हुई हैं रास्ते में, बीच में से ये रास्ता होकर निकलता है। जैसे ही ये फसल क्लियर होगी, सारस पक्षी तो बिल्कुल आपको 5-10 मीटर 20 मीटर से पर भी आपको दिखाई देंगे, बहुत ही नज़दीक और आ जाते हैं। वो बहुत ही यहाँ फ्रेंडली हैं, उनको कोई खतरा महसूस नहीं होता है और ना ही वो अटैक करते हैं। अंटिल अनलेस उनके चिक्स वगैरह को बहुत ही खतरा हो। अब मैक्सिमम सारस अभी ब्रीडिंग सेशन में चल रहे हैं, कुछ हफ्तों बाद उनके चिक्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आशा है विंटर स्टार्ट होने से पहले चिक्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सारस की एक्टिविटी लास्ट 2 मंथ्स में बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो लोग अपने अपने नेस्ट पर हैचिंग में लगे हुए हैं और जैसे ही हैचिंग समाप्त होगा बच्चों के साथ वो निकलेंगे। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है उनको फिल्माने का, उनकी फोटोग्राफ्स लेने का। लास्ट 4-5 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ और देख रहा हूँ, बहुत ही नज़दीक से क्लोजअप मिलता है। मुझे नहीं लगता है इतना नज़दीक क्लोजअप कहीं और सारस का कोई ले पाता होगा। ओके, बाय बाय, मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए धनौली के बारे में लेटेस्ट जानकारियाँ पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।